तो फ्रेंड्स, चटनियाँ तो हम कई तरीके की बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो चटनी बताएंगे वो समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी या कोई चाट के साथ जो चटनी खाई जाती है, बिल्कुल बाज़ार में जो मिलती है वही चटनी आज हम आपको घर पे खट्टी मीठी एकदम चटपटी सी चटनी बताएंगे। आप इसे ब्रेड, रोटी किसी में भी लगा करके खा सकते हैं। तो आप इसका टेक्सचर देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया है। और सबसे बढ़िया तरीका तो फ्रेंड ये है, आप इसे महीने भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो खट्टी मीठी चटपटी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे हम इमली। तो ये हमने 50 ग्राम इमली ली है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बर्तन में डालेंगे। तो आप जिस बर्तन में बनाएं उस बर्तन में इस तरीके से इमली को डाल दें। और इसके बाद इसमें 1 गिलास भर के हम गर्म पानी डाल देंगे। आप इसे सादा पानी से भी बना सकते हैं, पर उसे आध घंटे के लिए इसको भिंगो करके फुलाना है। अगर आप मेरी तरीके से जल्दी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना करके जल्दी भी तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम 1 गिलास गर्म पानी में 15 मिनट के लिए फुलाएंगे। तो 15 मिनट बाद देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके की हो जाएगी हमारी इमली। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको चम्मच से और इसको दबा देंगे, जिसका ये पल्प जितना फूला हुआ है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसको गैस पे रख देंगे। तो गैस पे करीब हम 3 मिनट तक इस तरीके से हाई आंच पे पकाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड हम गैस की आंच जो है वो लो कर देंगे और कुछ देर के लिए इसको इस तरीके से रखा छोड़ देंगे, जिससे ये अच्छे से फूल जाए। तो फ्रेंड क्या होता है, कुछ लोग इसमें डालते हैं खजूर। तो आप खजूर अगर डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप डाल सकते हैं। तो वो खजूर की खट्टी मीठी इमली चटनी बन करके तैयार हो जाएगी हमारी। लेकिन हम बनाएंगे बाजार जैसी, जो बाजार में ज़्यादातर मिलती है वही चटनी। तो इसको हम थोड़ी देर रखा छोड़ दिया हमने, तो इस तरीके से ये ठंडी हो गई है। तो ये देखिए अभी इस तरीके से गाढ़ी है, इसका पल्प काफ़ी ज़्यादा निकल करके तैयार हो गया है। इसमें इस तरीके से रेसे भी अलग हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, हम एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस इसको थोड़ा सा डालेंगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड इस तरीके से बनाने से क्या होता है, छानने से कि इसके सारे बीज निकल जाएंगे और रेसे जो हैं वो निकल जाएंगे इस तरीके से। अगर हम पीस के बनाते हैं तो फ्रेंड उसमें क्या होता है, कई बार रेसे रह जाते हैं, वो मुँह में जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड इसमें काफ़ी छोटे छोटे रेसे होते हैं, तो हम इस तरीके से बना कर के तैयार करेंगे। तो हमें इस तरीके से आसानी भी होती है, पीसने का भी झंझट नहीं होता है। अब इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो इमली बची है उसमें थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे और पानी डाल करके उसको भी मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद उसको भी हम इसी तरीके से छान लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें पानी थोड़ा और डाल लिया था और इसको अच्छे से इसको छान लेंगे। तो ये मेरा इमली का पल्प बन करके पानी तैयार हो गया है, इसे इमली का पानी भी आप बोल सकते हैं। अब इसे अच्छे से पकाएंगे। तो हम गैस पे फिर से बर्तन रखेंगे, आप कढ़ाई भी रख सकते हैं, और इसमें ऑयल डाल के जीरा डालेंगे, भूनेंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। तो ये हींग जो है वो मेरी बहुत खुशबू वाली है, तो हम थोड़ी ही डालेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे इमली का जो पानी अभी हमने छान करके रखा था वो डाल देंगे। अब इसको बॉयल आने तक पकाएंगे, उसके बाद डाल देंगे गुड़। तो देखिए फ्रेंड, हमने 50 ग्राम इमली ली थी तो हमने 50 ही ग्राम गुड़ डालना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। इससे हमारी एकदम परफेक्ट बन करके चटनी तैयार हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बॉयल आने देते हैं और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं नमक इस तरीके से। तो हम थोड़ा सा सादा नमक डाल देंगे और उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा हम इसमें काला नमक, और इसके बाद डाल देंगे हम सौंठ, सूखी अदरक का पाउडर, और इसके बाद डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या होगा, कलर बहुत बढ़िया आएगा हमारी चटनी में, दिखने में बिल्कुल बाजार जैसी लगेगी। उसके बाद डाल देंगे हम ये सौंफ का पाउडर आधी चम्मच, तो इस तरीके से भुंजे हुए जीरे का पाउडर भी इसमें हम डाल देंगे। तो मसाले आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम बता रहे हैं सबसे आसान तरीका, बिल्कुल बाजार जैसा। अब गुड़ और इमली को बैलेंस करने के लिए अब इसमें हम डालेंगे आधी चीनी। तो हमने 50 ग्राम गुड़ लिया था और तो हम और 50 ग्राम इमली ली थी, तो हम 25 ग्राम करीब चीनी इसमें डाल देंगे और बढ़िया से इसमें हम